दोस्तों आज मैं फिर एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमें कमेंट करके बोला था, उन्हीं के कहने पर मॉल को डिजाइन किया। साइज है 32x36 फट, मैं भूल गया था इसलिए देख रहा था 32x36 फट यह साइज है। और इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने, तो आप बने रहें बिल्कुल। हाँ, वीडियो को बहुत ही आराम से देखिएगा क्योंकि इतना खूबसूरत वीडियो होने वाला है, इतना बेहतरीन सा प्लान होने वाला है। लो बजट बहुत ही सिंपल प्लान हुआ है, मैंने इसमें कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें नहीं क्रिएट की हैं। दोस्तों क्या होता है, मॉडल आप जब देखते हैं ना यूट्यूब पर, तो आपको बहुत सुंदर सुंदर घर देखते हैं, लेकिन उतना बनवाने के लिए ना बजट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो बहुत से लोग क्या देख कर तो बहुत खुश हो जाते हैं ना कि बेहतरीन सा घर मैं ऐसा बनवाऊंगा। सबका सपना होता है घर बनवाना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या होता है बजट के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो ऐसा ही मकान आपको देखना चाहिए कि 10 लाख रुपए में बन जाए। लेकिन लोग क्या होते हैं जब मकान बनवाते हैं, बजट 10 लाख है, देख रहे हैं 50 लाख रुपए का। हालांकि आप सपने देख सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं, मैं भी देखता हूँ, सभी लोग देखते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन फिर भी लिमिट में रहकर अपने सपने देखने चाहिए। तो चलो आज का टॉपिक हम जो लेते हैं ना 32x36 फट का मॉडल हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे एक काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया था, तो उन्हीं की डिमांड के अकॉर्डिंग ये मकान बन रहा है। तो अगर आप भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, स्मॉल हाउस प्लान से दोस्तों जुड़ जाएं और आप हमें कमेंट करके बताया करें। जब भी मैं वीडियो डालता हूँ ना, तो जो मैं सब उधर 10 कमेंट आते हैं, मान लो 20x40 किसी ने बोला बनाइएगा सर, कोई ने बोला 20x50 बनाइएगा, किसी ने बोला 30x36 बनाइएगा, तो मैक्सिमम जितने लोगों के कॉमन होंगे ना, मतलब वोटिंग होती है, जैसे मैंने 4 ऑप्शन दिए ABCD, और 4 ऑप्शन में से आपने कोई सिलेक्ट किया, 4 लोगों ने ए सिलेक्ट किया, बी 3 लोगों ने, 2 लोगों ने, तो जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी उसको मैं सिलेक्ट करके मॉडल बनाऊंगा। मैं जल्द ही एक ओपिनियन भी लाने वाला हूं, मैं पहले से क्वेश्चन डाला करूंगा, उसमें मैं 4 ऑप्शन दिया करूंगा कि 20x40 का मकान बनाना है, 30x50 का बनाना है, 60x70 का बनाना है, जो भी है 4 ऑप्शन में से आप एक को वोटिंग किया करें, और वोटिंग करने के बाद जो मेजोरिटी जिसमें वोटिंग ज़्यादा होगी मैं उसी को सबमिट करके बनाया करूंगा। तो मैं आज से प्रोसीजर पूल क्रिएट करूंगा, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो मैं सपोज 4 ऑप्शन दूंगा कितने भाई कितने बनाना है, जिसमें ज्यादा मेच्योरिटी लोगों की सहमति होगी ना उसी मॉडल में क्रिएट किया करूंगा। तो चलो आज का मॉडल हम बिना देरी से स्टार्ट कर लेते हैं 32x36 फट का। तो चलो आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्लान आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही खूबसूरत भी प्लान होने वाला है इसमें, क्योंकि गैलरी एक साइड से है, मेन डोर भी एक साइड से, और बहुत बाकी आपको शॉप भी मिलती है, दुकान भी मिलती है, फ्रंट में आपको एक डोर भी मिलता है और मेन डोर यहाँ से मिलता है। जो डिज़ाइन आपका बना है बहुत ही खूबसूरत, फ्रंट एलिवेशन के साथ ऊपर की डिज़ाइन बहुत ही सिंपल बनी है। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर पर ये देखिएगा, इसका फ्रंट है पूरा ओवरऑल, इस तरफ राइट हैंड साइड में आपको एक शॉप मिलती है, दुकान मिलती है, इधर से आपकी मेन एंट्री होती है। हालांकि एंट्री आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं यहाँ से बताऊँगा। तो मेन डोर ये है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको गैलरी नुमा देखिएगा चीज़ दिख रही है, ये पूरी एक गैलरी दिख रही है ना, इससे पूरे घर को आप एक्सेस कर पाएंगे। उसी के नीचे स्टेयर्स है, उधर से अंदर से चढ़ेंगे टर्न हो जाएंगे अंदर को, और इस गैलरी से आप भी पूरे घर को एक्सेस कर सकते हैं। एक डोर यहाँ पर दिया, एक डोर यहाँ पर दिया, विंडो दिया, साइड से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस डोर से आप यहाँ पर आ जाएंगे, इसे डाइनिंग हॉल सॉरी आप लिविंग एरिया बोलिएगा, या आप इसे गेस्ट रूम बोलिएगा। उसी गेस्ट रूम को अटैच करते हुए एक लेट एंड बाथ बनाया है, ये एक आपकी शॉप बनी है कॉर्नर पर। इसके बाद आप आ जाते हैं डाइनिंग हॉल में, आप गैलरी से भी आ सकते हैं, इस रूम से भी आ सकते हैं, दोनों तरफ से आने की एंट्री है। इसका ये आपको एक बेडरूम मिलता है, उसमें अटैच लेट एंड बाथ मिलता है, ये एक बेडरूम आपको मिल जाता है। इधर की बात करें तो ये देखिएगा, ये जो एरिया है आपका, यहाँ पर भी एक कॉमन ये हॉल के लिए पूरा सभी लोग यूज कर सकें, लेट एंड बाथ। इसके बाद ये आपका किचन है और ये आपका स्टोर रूम है। तो ये चीज़ें मैंने ब्लॉक क्रिएट की हैं, आप जिनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, अगर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्लान, गैलरी और 3 बेडरूम के साथ, डाइनिंग हॉल बहुत ही बड़ा है, लिविंग एरिया बहुत ही बड़ा आपको देखने को मिलता है 32x36 फीट में। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर को मैं मैक्सिमम जूम कर देता हूँ चीज़ों का, हालांकि इसमें और कुछ मैंने क्रिएट नहीं किया, मैंने बोला था ना बहुत ही सिंपल प्लान होने वाला है, जो लोग जैसा चाहते हैं वैसा। और लास्ट फ्लोर पर 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल ग्रिल का डिज़ाइन थोड़ा सा आपको वी शेप में दिख रहा होगा, और ये पूरा मॉडल मैंने बनाकर रेडी किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो ना, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर के लिए, स्मॉल हाउस प्लान पर लोगों लगातार दोस्तों ऐसे वीडियो मिलते रहते हैं। मैं आप हमारे ओपिनियन पोल में भाग जरूर लीजिए, मैं क्वेश्चन जल्दी पोस्ट करूंगा शाम को, और आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, मैं उसी को मेजोरिटी में जो होगा ना उसी को मैं घर बनाऊंगा। तो आपका भी घर बन सकता है, आप हमें वोट करें, सपोर्ट करते रहें, मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।